जब बारिश हुई थी काफी नुकसान रहमत नगर के अतराफ अकनाफ के इलाके में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ सिटी कॉलोनी के रहने वाली हूँ। मैं असद साहब के लिए इस्लामिया स्कूल के फीस माफी थी तो गए थे दारुसलाम। असद साहब फीस बच्चों की मेरी बंद कमरे में भी रोशन दान होना चाहिए। आपके माथे पे हिंदू मुस्लिम, आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में लेकिन हिंदुस्तान होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी आपने जिसकी थोड़ी सी झलक इस वीडियो में देखी वो हैं कारी अबराज जमाल, जो कि जमीयत हिमायतुल इस्लाम के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने आरएसएस के मंच पर कुरान का प्रॉफिट देते हुए भगवान श्री राम जी को अल्लाह का पैगंबर बताया। इससे साफ जाहिर होता है कि कारी अबरार जमाल के मन में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है भगवान श्री राम जी को लेकर के। आगे आप खुद सुन लो इस पूरी क्लिप में कि उन्होंने क्या कहा। बंद कमरे में भी रोशन दान होना चाहिए। आपके माथे पे हिंदू मुस्लिम, आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में लेकिन हिंदुस्तान होना चाहिए। हजरत, आज का मौजू आओ जड़ों से जुड़े, इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि हमारी जड़ें कहां से हैं। मेरा जन्म एक मुस्लिम राजपूत परिवार में हुआ। बहुत सारे हमारे यार दोस्त मुस्लिम समाज के, हमारे उलमा बार बार इस बात को कहते हैं कि आप अव्वल शहरी के मुसलमान नहीं हो सकते। अभी मुझे राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिला, मैं वहां गया, उसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी सुना, कारी अबरार जमाल ने खुद बताया कि उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनविटेशन आया था और वो वहां पर गए भी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। उसके बाद से ही वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। इसके साथ ही आप सबको तो पता ही होगा कि जल्द ही मुनावर फारूकी और हिना खान एक म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं। तो मुनावर फारूकी ने अपनी स्टोरी में लगाते हुए कहा है, वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन इन इंडस्ट्री विथ रियल हिना खान। बिल कौन कौन दिल से चाहता है कि मुनावर फारूकी जल्द ही हिना खान के साथ एक म्यूजिक वीडियो में दिखें, कमेंट करके जरूर से बताएं। सो हाय दोस्तों, मैं लाइव आने वाला हूं इलो इलो ऐप पर 15 फरवरी को शाम 7 बजे। सो फ्रेंड्स, मुनावर फारूकी ने एलविस यादव या फुकरा इंसान का लाइव रिकॉर्ड तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, लेकिन मुनावर फारूकी ने दिल जीतने में सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो फ्रेंड्स, मुनावर फारूकी फिर से लाइव आने वाले हैं, लेकिन इस बार वो इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं आएंगे। इस बारे में उन्होंने अपनी स्टोरी पर इन्फॉर्मेशन दी है कि वो इस बार इलो इलो ऐप पर लाइव आएंगे। पहले आप ये वीडियो देख लो कि उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। सो हाय दोस्तों, मैं लाइव आने वाला हूँ इलो इलो ऐप पर 15 फरवरी को शाम 7 बजे। और ये क्या है मैं बताता हूँ, और ये भी है कि मैं जब लाइव आ रहा हूँ, 10 लकी विनर्स जो होंगे, जो अपनी शायरी वगैरह डालेंगे, बेस्ट कोट्स जिसके होंगे, आप टैग करना है आपको इलो इलो को इंस्टाग्राम पे, और जो 10 लकी विनर्स होंगे उनसे मैं लाइव में बात भी करूंगा। तो डाउनलोड कीजिए इलो इलो ऐप और लग जाइए शायरियां। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मुनावर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि वो इलो इलो ऐप पर लाइव आने वाले हैं फिर से सबका दिल जीतने, तो सब लोग तैयार रहिए क्योंकि कल शाम 7 बजे वो इलो इलो ऐप पर लाइव आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही आगे चलते हैं और बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, जो कि AIMIM के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने रिसेंट में ही यकुतपुरा हल्का असेंबली के लिए बहुत सारे काम किए हैं और जूनियर स्कूल का कंस्ट्रक्शन भी करवाया है, नाले और वाटर की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे क्या बताया, आप इस वीडियो में देख करके खुद ही समझ जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देख लो। SRDP का की तरफ से जो काम हल्के असेंबली याकूतपुरा में किया गया, तो आप जानते हैं कि धोबी घाट के पास जो बहुत बड़ा एक ड्रेन का काम हुआ, जब बारिश हुई थी काफ़ी नुकसान रहमत नगर के अतराफ अकनाफ के इलाके में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो SRDP के फंड से एक बहुत बड़े नाले का काम वहाँ पर मुकम्मल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि जब कभी भी बारिश होगी तो इस इलाके में पानी दाखिल नहीं होगा। एंड फ्रेंड, ओवैसी साहब ने ये भी बताया कि इसमें कुल रुपए कितने खर्च हुए हैं। आप जानकर के हैरान हो जाओगे कि इसमें 15,94,00,000 समथिंग रुपए लगे हैं। आप खुद सुन ले इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा। जैसा कि आप तमाम मीडिया के हजरात के सामने ये नक्शा रखा गया है, तो जिसमें आज
अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 15,94,00,000 की लागत से। तो फ्रेंड्स ओवैसी साहब के इतने अच्छे कामों की वजह से एक फीमेल ने उन्हें स्टोरी मेंशन करते हुए शुक्रिया भी बोला है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो उन्होंने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ सिटी कॉलोनी के रहने वाली हूँ। मैं असद साहब के इस्लामिया स्कूल के फीस माफी थी तो गयी थी दारुसलाम। असद साहब फीस बच्चों की मेरी बंदी है, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। मैम पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।